दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे मैं कौन सा थीम यूज़ करता हूँ। ये जो थीम है दोस्तों, इस थीम का नाम है सैमसंग वन यूआई थीम। कुछ इस तरह से आपको मिलता है, जैसे कि देख पा रहे हो पूरा कम्प्लीटली वन यूआई का लुक है। और अगर मैं बात करूँ स्टेटस बार की, सो कुछ इस तरह से है। यहाँ पर मैं दोस्तों एक डिफरेंट स्टेटस बार यूज़ कर रहा हूँ, इसके बारे में मैं बताऊँगा। सो इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए। जो थीम है दोस्तों बेस्ट थीम ऑफ द ईयर 2019 आप कह सकते हो फॉर पोको एफ वन के लिए थीम। मुझे बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों। आप में से बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे आप कौन सा थीम यूज़ कर रहे हो, तो मैंने यूज़ किया है दोस्तों सैमसंग को वन थीम। तो कम्प्लीटली लुक यहाँ पर बदल जाता है सैमसंग वन थीम को अप्लाई करने के बाद। आपका जो कॉल मैसेज इवन यूट्यूब उसके साथ साथ आपका व्हाट्सअप पूरा कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। सो आपको मैं दिखा देता हूँ दोस्तों, पहले यहाँ से मैं नेट कॉन कर दूँ, उसके बाद चलते हैं थीम्स के अंदर। उसके बाद थीम, अभी के लिए मैं दोस्तों ए थीम को यूज़ कर रहा हूँ। आप डिज़ाइनर भी पढ़ सकते हो, रिको इसका डिज़ाइनर है, ठीक है। हम या इस थीम को आपको अप्लाई करना होगा। सिंपली आपको क्या करना होगा दोस्तों, आप यहाँ से सर्च कर लो सैमसंग वन करके, सैमसंग सर्च करने के बाद दोस्तों आपको बहुत सारी मिलेगा। यहाँ से आपको व्यू ऑल में टैप करना होगा, ओके। सो सैमसंग वन करके आपको सर्च करना होगा। उसके बाद दोस्तों आपको जो कुछ इस तरह से थीम दिखाई देगा ना, कुछ वॉलपेपर आपको इस तरह से मिलता है, ये वाला थीम आपको इंस्टॉल करना होगा। जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पर टिक आ रहा है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप इंस्टॉल कर लेना। मैंने दोस्तों यहाँ पर सैमसंग वन थीम आई को यूज़ कर रहा हूँ। 17 MB के आसपास है। जो डिज़ाइनर है दोस्तों रिको है। कुछ इस तरह से आपको मिलता है दोस्तों, बहुत खूबसूरत सा थीम है। और जो मल्टीटास्किंग ट्रे है वो भी कुछ इस तरह से है। अगर मैं बात करूँ स्टेटस बार, क्योंकि मैंने बताया पहले ही वीडियो के अंदर जो स्टेटस बार है उसे मैंने चेंज किया है। और जो डायलर है दोस्तों, डायलर कुछ इस तरह से मिलता है, कम्प्लीटली वन यूआई के आपको लुक देगा। और मैसेजिंग की बात करूँ कुछ इस तरह से आपको मैसेजिंग मिल जाता है। यहाँ पर मैंने दोस्तों डायलर जो स्टेटस बार है, सॉरी यहाँ पर जो स्टेटस बार है दोस्तों, स्टेटस बार के लिए मैंने यूज़ किया है दोस्तों सैमसंग वन का ए जो स्टेटस बार है, इसको मैंने यूज़ किया है, ठीक है। इसका भी मैं लिंक दे दूंगा सैमसंग वन का। जो थीम है दोस्तों, पर्टिकुलरली थीम वॉलपेपर आइकॉन जो पैक है दोस्तों, ये रिको का डिज़ाइन किया गया है। और जो स्टेटस बार है दोस्तों, वो डिज़ाइनर है दोस्तों, ये वाला डिज़ाइनर। ये जो पर्टिकुलर थीम है दोस्तों, इसका जो स्टेटस बार है उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर, और काफ़ी अच्छा है दोस्तों। और थीम मज़ेदार है। यहाँ पर आपको जो लॉक स्क्रीन है, यहाँ पर लॉक स्क्रीन दिखाता हूँ, कुछ इस तरह से आपको लॉक स्क्रीन मिलता है। और धासु लगता है दोस्तों, सच में धासु स्क्रीन है, धासु थीम है। अगर आप सैमसंग को वन यूआई का मज़ा लेना चाहते हो तो ज़रूर से इसको चेकआउट कर लेना। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा अगर मुझे मिला तो। बाकी आप जैसे मैंने बताया, आप सीधा जाना होगा आपको थीम स्टोर के अंदर, उसके बाद आपको सैमसंग वन करके सर्च कर लेना होगा। उसके बाद आपको रिको का जो थीम मिलेगा, ये वाला जो थीम है, इसको आपको डाउनलोड इंस्टॉल कर लेना होगा। वेरी सिंपल, MIUI 8.19 के ऊपर काम करेगा और आपको मज़ा आएगा दोस्तों। थीम इंस्टॉल करके देखो, आपको सच में मज़ा आएगा। एनीवे, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के अंदर। MIUI 10 का जो नया अपडेट आया है दोस्तों, उसके बारे में वीडियो में बनाऊंगा। इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए, इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, और इस वीडियो को लाइक शेयर कर देना सभी MI यूज़र के साथ। थैंक यू।